जैसे जैसे तीज और रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही मार्केट में सिंथेटिक और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री में भी तेजी आ गई है। लेकिन मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग गंभीरता से काम कर रहा है। इस कड़ी में सोना में बिकने वाली मिलावटी मिठाइयों को लेकर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सोहना के वार्ड नंबर 14 में स्थित एक मिठाई बनाने वाले गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 11 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया और खोया, मैदा, रिफाइंड, मीठी मट्ठी और घेवर के सैंपल भी लिए। उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आए हैं, ये सीएम फ्लाइंग के पास कंप्लेंट थी भी, गलत ढंग से है ना खोया वगैरह और वो मिलाकर ना घेवर वगैरह जो बनाते हैं नकली खोआ है और नकली चीज़ें यूज कर रहे हैं। ये हमारी ज्वाइंट रेड है सीएम फ्लाइंग के साथ और इसमें फूड सप्लाई वाले भी है। फूड सप्लाई के जो सिलेंडर थे भारत कंपनी के थे, 11 सिलेंडर है मेरे ख्याल, 11 है जी, 11 सिलेंडर है ना, वो यहाँ से बरामद किए हैं और मैंने यहाँ से 5 सैंपल लिए हैं। एक खोए का लिया है जिसमें शुगर मिली हुई थी, एक मैदे का लिया है जिसे घेवर बना रहे हैं और एक रिफाइंड का लिया है जो यूज़ कर रहे हैं और एक बनी हुई घेवर का लिया है और एक जो मट्ठी है मीठी जो त्योहारों के सीजन में चलती है, 5 सैंपल लिए हैं। नोटिस इनको दे दिया है, लाइसेंस इनके पास है नहीं जी। देखो आज के टाइम FSSAI का लाइसेंस होना मैंडेटरी है, वो इनके पास है नहीं, उसका नोटिस दिया है, उस पर कार्रवाई होगी और बाकी जो रिपोर्ट आएगी ऊपर से जो भी रिपोर्ट आएगी सैंपल होंगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक की माने तो गोदाम मालिक के पास फूड सेफ्टी विभाग का कोई लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं लेने पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सोहना में बिक रही मिलावटी और सिंथेटिक मिठाई विक्रेताओं पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ने कहा कि स्टाफ की कमी के चलते समय से सैंपलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती, लेकिन वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं जिससे ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके। सोहना से सतीश, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।